हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं एक और न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ आप सभी लोगों के लिए, टॉपिक है व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ। लाइक आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। बेसिकली यहाँ पर थोड़ा फ्यूचर जानेंगे, आपकी करंट एनर्जी के अकॉर्डिंग फ्यूचर में क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो ये दोनों बातें बताऊंगी, करंट एनर्जी क्या है आपकी, देन फ्यूचर में क्या चेंजेस आ सकते हैं, लाइक क्या नेक्स्ट आपकी लाइफ में आने वाला है, ये सारी बातें यहाँ पर जान लेंगे। तो रीडिंग को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह ही बता दूं कि ये जनरल प्रेडिक्शन है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। और ये रीडिंग भी टाइमलेस है, तो जब भी आप यहाँ तक पहुँचे हो सकता है आपकी हेल्प हो जाए, आप देख लेना आपके साथ मैच हो जाए ये प्रेडिक्शन। और अगर आपको अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कराना है तो उसका भी ऑप्शन है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप मेरे को डीएम कर सकते हैं। प्राइजेस और डिटेल सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, तो अच्छे से पढ़कर आप मुझको मैसेज करना। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ। पहले करंट एनर्जी मैं पता कर लेती हूँ आपकी। ये कुछ कार्ड्स आए हैं आपकी करंट एनर्जी के लिए। देखो, करंट एनर्जी मैं आपको बता रही हूं क्या चल रहा है राइट नाउ आपकी लाइफ में। चल तो काफी कुछ रहा है, जिसमें सबसे पहली बात मैं आपको बता रही हूं, आप अपने इंट्यूशन को इग्नोर कर रहे हो, निग्लेक्ट कर रहे हो, ठीक है? आप अनदेखा कर रहे हो, नहीं सुन रहे हो अपनी इंट्यूशन ठीक से, आपकी इंट्यूशन आपको क्या बता रही है। या अगर इंट्यूशन कुछ कह रही है कि ये काम टाइम पे करना चाहिए, आपको अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, आप सुन ही नहीं रहे हो अपने इंट्यूशन के, इंट्यूशन को नहीं सुन रहे हो आप ठीक से, भाग रहे हो इंट्यूशन से ना, या फिर आप लेजी हो रहे हो, या तो हम ये भी कह सकते हैं। हीलिंग आपकी प्रॉपर नहीं हो रही है गाइज राइट नाउ। आप टायर्ड हो जाते हो, टायर्डनेस फील करते हो, लेजी हो रहे हो या इंट्यूशन से भाग रहे हो, तो दिस इज़ द नॉट गुड वे, दिस इज़ नॉट द राइट वे टू मैनिफेस्ट समथिंग, ठीक है? तो ये चीज़ हो रही है, आपको लगता है कि यस सब कुछ अच्छा सा हो जाएगा, सब कुछ आगे ठीक हो जाएगा, लेकिन चीज़ें अभी भी 50% ही है आपके हाथ में, नॉट 100%। यू हैव टू डू हार्ड वर्क, यू हैव टू डू वर्क हार्ड अ लॉट, ठीक है? क्यों? क्योंकि टेम्परेंस की एनर्जी है और टेम्परेंस आपसे काम करवा रही है। टेम्परेंस एनर्जी बता रही है कि आपको प्रॉपर बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, आपको ना चीज़ों को बहुत ज़्यादा टाइम से करना है, डिले नहीं करना है, और अपनी इंट्यूशन को तो फॉलो करना है, ओके? दूसरा, थोड़ा सा फाइनेंशियली भी आप स्ट्रगल में हो अभी, फाइनेंशियली भी काफ़ी सफ़र कर रहे हो, और साथ ही साथ आपके कनेक्शन में भी आपको दो माइंड हो रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा आगे, आप कंफ्यूज हो रहे हो कॉन्टिन्यूसली, लाइक थिंकिंग या ओवर थिंकिंग हो रही है। तो कनेक्शन, हालांकि आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, लेकिन इस कनेक्शन को लेके भी काफ़ी ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग हो रही है, क्योंकि आपके काम ही टाइम पर नहीं हो रहे हैं, आपको मनी में भी इशू आ रहा है थोड़ा, या पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, या कंट्रोल नहीं है ठीक से, अननेसेसरी खर्चे आ रहे हैं आपके पास, इस तरह की एनर्जी में हो। हीलिंग नहीं ठीक से कर पा रहे हो अभी अपनी, बहुत ज़्यादा चीज़ें ना आपकी ना छूट रही है, जो पूरे दिन में आपको करनी होती है वो चीज़ें आप पूरे दिन में नहीं कर पाते हो। सपोज दैट इफ़ यू हैव 5 टास्क, ठीक है, तो आप उसमें से 3 पूरे कर रहे हो, 2 फिर भी छूट रहे हैं, तो ये सही अप्रोच नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहना है और अपने काम ठीक से पूरे करने हैं, तभी फ्यूचर में अच्छा चेंज आएगा, वरना तो फिर यही चीज़ें रिपीट होंगी। ये आपकी करंट एनर्जी है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा। हाँ, फिर से लवर्स का कार्ड आ गया, ओके, ओ वाओ, 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी गुड, ठीक है गाइस, बैलेंस तो बना लोगे। एंड द मून, ओके, चैरियट,
ओ वाह, ये कार्ड अपने आप आया, किंग ऑफ, सॉरी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स. ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स. ठीक है, नेक्स्ट जो भी होने वाला है मैं बता रही हूँ आपको. यहाँ पे आपके जिस किसी के भी साथ आप कनेक्शन पूछ रहे हो, उनके साथ तो कनेक्शन आपका अच्छा हो जाएगा. उसमें तो आपको फुल विक्ट्री मिल रही है, अच्छा टाइम अट्रैक्ट कर रहे हो आप, बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम. लवर्स का कार्ड रिपीट हुआ है तो यस, इसका आंसर तो आ गया. नेक्स्ट क्या होने वाला है, जितने भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपने कनेक्शन में, अच्छा अच्छा टाइम देखोगे आप. ठीक है, पहली बात तो ये है. दूसरा जो चेंज मैं देख रही हूँ, फैमिली इश्यूज अगर चल रहे थे या फिर जो भी डिले आ रहा है आपके काम में, या आप बहुत ज़्यादा थकान फील करते हो, टायर्ड फील करते हो, मन नहीं लगता आपका काम में, वो चीज़ भी ख़त्म हो रही है. उसे भी आप ओवरकम करके अपना काम फुल, देखो 10 ऑफ कप्स का मतलब है आप फुल खुश हो. ठीक है, पूरी तरीके से खुश हो, खुशी के साथ अपना काम कर रहे हो. तो एक ये चीज़ भी एक चेंज दिख रहा है, लेकिन फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स एकदम से ख़त्म होते हुए नहीं दिख रहे हैं. ठीक है, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स जो आए हैं वो थोड़े टाइम अभी और चलेंगे. तो हो सकता है जैसे कि खर्चों पे थोड़ा आप कंट्रोल करने की कोशिश करना, लेकिन अननेसेसरी खर्चे जो हैं वो आपके पास आएंगे और वो यू हैव टू पे. ठीक है, वो उस इस चीज़ पर कंट्रोल नहीं दिख रहा है, लेकिन कनेक्शन और आपके खुद का जो पर्सनल इश्यूज़ थे, लाइक आप टाइम से काम नहीं कर रहे थे, उन पर आप अच्छी कमांड कर लोगे. दूसरा गाइज, जितने भी तरह की डिसेप्शन था आपकी ज़िंदगी में या अभी भी है, नियर फ्यूचर में वो भी ख़त्म होता हुआ दिख रहा है. चीज़ें क्लियर दिखेगी, आपका जो पाथवे है वो बिल्कुल क्लियर दिखेगा. सो आप इजीली उसे फॉलो कर सकते हो. ठीक है, तीसरा नहीं, एक्चुअली बहुत सारे आंसर दिए हैं मैंने. कुछ ना कुछ ब्लेसिंग आपके पास आ रही है, जैसे कि इस इंसान के, इस किड, ये किड है, इसके हाथ में कप है, कप में फिश भी है, तो फिश गुड लक भी होती है. तो यस, आपके पास कुछ गुड न्यूज़, कुछ ऑफर लेटर या कुछ अचीवमेंट आपको नियर फ्यूचर में मिलेगी. हो सकता है एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, हो सकता है कोई ऑफर मिल जाए, हो सकता है जॉब ऑफर हो, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो. तो कुछ न्यूज़, कुछ गुड न्यूज़ भी आ रही है. बस मनी मैटर थोड़ा सा चलेगा आपके साथ, लेकिन बाकी चीज़ें तो अच्छी हो रही हैं. करंट एनर्जी से फ्यूचर की एनर्जी बहुत बेटर है, मच बेटर है. इम्पार्शलिटी, आप बहुत बैलेंस बनाने की कोशिश करोगे, नो डाउट. एंड चिकरी, थोड़ा सा लोगों से बच के रहो, सभी एक जैसे नहीं होते हैं, तो सबको एक जैसा ना समझें, बच के रहें. थोड़ा ग्रोथ होगा, नो डाउट कि ग्रोथ नहीं होगा, बिल्कुल होगा, होगा ग्रोथ. एंड परसिवरेंस, यूनिवर्स आपके साथ हैं आपकी जर्नी में, एंड सेल्फ वर्थ बढ़ रहा है. ग्रोथ होगा तो ऑब्वियसली सेल्फ वर्थ बढ़ेगा, लेकिन मनी मैटर चलेंगे थोड़ा सा, तो इट्स ओके. देखो ये इंसान मुझे आता ही हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में, तो डोंट वरी, चीज़ें अच्छी ही हो रही हैं गाइस. नियर फ्यूचर में जो भी नेक्स्ट आपके पास आ रहा है वो बहुत अच्छा आ रहा है, सब चीज़ें बहुत अच्छी आ रही है. आप ट्रस्ट कर सकते हैं इस प्रोसेस पर, और खुशी खुशी अपने सारे काम करो, बिल्कुल अच्छे से अपने सारे काम करो पूरे डेडिकेशन के साथ, क्योंकि यहाँ पर कुछ अच्छा है. और आज से ठीक 1 साल के बाद तो आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी. ठीक है, पर्पस आपका डिवाइन पर्पस हो सकता है विद इन 1 ईयर आपको अचीव हो जाए, और आप आगे फ्यूचर में आज से तो बेटर दिख रहे हो. रिलीजियस फैक्टर, न्यू लव. अच्छा, अगर यहाँ पे कोई सिंगल है तो उसकी लाइफ में नया लव भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड आ गया है. तो यस, न्यू लव आ सकता है जितने भी यहाँ सिंगल हैं, और जिनके भी साथ रिलीजियस फैक्टर्स चल रहे हैं, तो उससे रिलेटेड फ्यूचर में आप अपने पार्टनर के साथ बात कर सकते हो, एक ऑनेस्ट डिस्कशन कर सकते हो. सो आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी कि फ्यूचर में आप दोनों साथ में हो या नहीं हो, जिनके भी साथ रिलीजियस फैक्टर चल रहे हैं. ठीक है, एक ये भी चीज़ हो सकती है गाइज. तो ये मुझे कुछ नेक्स्ट होता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में. सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो. तो गाइज अभी के लिए बस इतना ही, बाय बाय,
टेक केयर, लेकिन अपने सारे काम आप टाइम पे करना शुरू कर दो तो आपको ये चेंज बहुत जल्दी दिखेगा। ओके, चलिए, बाय बाय, टेक केयर।